आज हम बनाएंगे गौजा। बांग्ला में जिसको गौजा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलता है मुझे नहीं मालूम है। गजाई कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में तो मिलता ही है, लेकिन देखते हैं कैसे बनता है आज। तो इसके लिए पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला कप लिया है। ये जो कप है, ये कप का 4 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया है। ये है मैदा और ये ऑलरेडी 3 कप यहाँ पे मैंने डाल के रखी थी, लेकिन ये 4th कप मैं आप लोगों के सामने डाल रही हूँ कि ऐसे पूरा भर के हमको मैदा लेना है इसमें। तो ये देखिए, ये वाला कॉफी मग है, ये कॉफी मग है लावपाला का। तो मैं इसके साथ आपको कंपनी भी बता दिया, क्योंकि मेजरमेंट उन लोगों का जो रहता है सेम रहता है। तो अभी ये हो गया मैदा। मैदा हम जितना लेंगे उसका, उससे ठीक 1/2 कप ही हम चीनी लेंगे, जो चाशनी बनानी होगी हमको। मोटा चाशनी बनाना पड़ेगा। मोटा चाशनी बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए जितना चीनी उससे 1/2 पानी। जितना चीनी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जितना चीनी उससे 1/2 पानी। तो यहाँ पे मेजरमेंट देखिए मेरा क्या था। मैंने यहाँ पे 4 कप मैदा लिया है, उसके इंस्टेड मैंने यहाँ पे 2 कप शुगर चाशनी के लिए यूज करूंगी और पानी इसमें डालूंगी 1 कप। और ये देखिए, छलांग मार के इसके बारे में नहीं बताई तो खुद आ गई। तो मैंने इधर पे लिया है 1 छोटा टीस्पून जितना, पूरा भर के नहीं लिया, थोड़ा खाली है। देखिए मेजरमेंट तो मैं एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगी, तो लगभग 1 टीस्पून जितना इसमें हमको डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, मैं बेकिंग सोडा का इसमें यूज करूंगी। और सेम जो कप से मैंने मैदा लिया, चीनी लिया, उसका देखिए 1/2 से ज्यादा कप हमने लिया है रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ घी, और यूज करेंगे हम लोग इसमें रिक्वायरमेंट के अनुसार दही। तो व्यूअर्स, अगर आपको दही का क्वांटिटी समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। अगर देखने से भी नहीं समझोगे तो ये मेरा कसूर नहीं है, मैं बहुत धीरे 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 दिखाती हूँ और धीरे धीरे समझा के अपना वीडियो जो है वो मतलब बना के पब्लिश करती हूँ। तो आई होप आप समझ जाओगे। दही लेने के लिए मैं ये टेबलस्पून का यूज करूंगी। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा मैं कितना टाइम दही ले रही हूँ, कुछ नहीं छुपाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं गौजा। अच्छा, शुरू में ही हमने इधर में बेकिंग सोडा जो लिए थे वो डाल लिए। अभी एक एक करके सारे जो चीजें हैं हमारे वो हम मैदे में मिलाते जाएंगे, और एक ज्यादा नरम नहीं टाइट डो बनानी है। तो बने रहिए और देखते रहिए कैसा डो बनता है। डो हमारा ऑलमोस्ट ऐसा सेमी क्या बाइंडिंग में आ गया है। अभी इसमें थोड़ा पानी, देखिए एक्चुअली ये बना तो मैं नहीं रही हूँ, मम्मी बना रही है। ये सब काम मुझे उतना अच्छा आता नहीं है, मम्मी बनाती है। लेकिन प्लीज इसको डिसलाइक मत दीजिएगा, लाइक भर भर के दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करिए। 22 तारीख को आ रहा है गणपति, तो कम से कम मोदक प्रिय जो है उनको मोदक बना के जरूर खिलाइए। उसके साथ ये होममेड गौजा भी आप लोग बना के मूषकराज को दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, अपने जो फैमिली है, फैमिली मेंबर है, सबके साथ ये वीडियो करिए शेयर, और मेरे मम्मी के लिए भी ठोक दीजिए एक लाइक। हमारा डो ऐसा देखिए, ज्यादा एकदम मुलायम नहीं,
ऐसा पूरा आपको अच्छे से देखिए कैसा कंसिस्टेंसी आपको दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है, पक्का दिख रहा है। अभी ये हो गया ऐसा डो बनके, अभी हम इसको गीला कपड़े से ढक के रखेंगे 30 मिनट तक के लिए। इसको अच्छे से हम ढक के रखेंगे और अभी हम लोग इसको ढक के रखेंगे 30 मिनट। तब तक क्या करेंगे, तब तक करेंगे ये जो मैंने कप लिया था, मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी, 2 कप इसमें मैं डालूंगी शुगर, गया 1 कप चीनी और ये है मेरा 2 कप चीनी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी इसी कप का हिसाब से मैं इसमें डालूंगी 1 कप, ये हो गया मेरा 1 कप पानी। बस हमको ये डिजोल्व होने तक शुगर को गैस में पकाना है और थोड़ा समझ ही पा रहे हो ना कि ये गाढ़ा होगा, जितना हमने इसमें चीनी डाला से आधा हमने पानी इसमें यूज किया। मैंने गैस को कर लिया है ऑन, अभी इसको मैं डिजोल्व होने तक कुक करूंगी, हो जाएगा 5-10 मिनट में, उससे पहले ही हो जाएगा। ये बनाते समय ना इसको कॉन्स्टेंटली हिलाना पड़ता है, इसको आप आइडली छोड़ के नहीं जा सकते हो, नहीं तो ये चीनी कैरामलाइज्ड हो जाएगा और आपका चाशनी बनके लाल हो जाएगा, तो हमको ऐसा चाशनी नहीं बनाना है। अगर आप लोगों के घर में केसर है फ्रेंड्स, तो आप केसर का पानी भी इसके अंदर ऐड करोगे तो अच्छा होगा, स्मेल भी होगा और कलर भी बहुत सुंदर होगा। फिलहाल मेरे पास है नहीं, मैं ऐसे ही चाशनी को कुक करूंगी और गोजा के लिए मैं यूज करूंगी। देखिए ये मेरा चाशनी पूरा पिघल गया चीनी, और ये ऐसा एक तार वाली कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन चाशनी गाढ़ा है। अभी इसको बंद करके रखेंगे, चूल्हा के ऊपर ही बिठा के रखेंगे क्योंकि हमको ठंडा चाशनी में गोजा नहीं डालनी है। हम लोग यहाँ गोजा बना रहे हैं और इधर देखो बाप बेटी क्या बना रही है, वो भी दिखा देती हूँ। आज संडे है, ये देखो पेंसिल स्टैंड क्या बना रहा बन रहा है, मेरा ऑफिस के लिए पेंसिल स्टैंड बना रहा है, पेंसिल पेन ऑर्गेनाइजर जिसको बोलते हैं, महंगा पड़ता है, 300-400-500 रुपया तक आता है। अभी भी ये फेस्टिवल टाइम का जो ये था, लेकिन अभी हम लोग इसको कितना में बना रहे हैं, 100 रुपया भी खर्चा नहीं। आपने इसमें क्या क्या यूज किया है? डार्क फैंटेसी का डब्बा, वेरी गुड, इधर गया भाई दूसरा वाला, दूसरा वाला कैडबरी का डब्बा, और ये कैडबरी याद है ना सेलिब्रेशन राखी वाली जिसमें राखी का गिफ्ट का है, ये राखी वाला। अगर राखी वाला एपिसोड नहीं देखा आप लोगों ने तो प्लीज उसको जरूर देखिए। और बनाने के लिए है ये है मौजूद मेरी टेबल, सामने देखिए ना कैसा, ये भी खुला, पता नहीं किसी का प्रोफाइल दिख रहा है इधर में, और काम करते करते जॉयदीप ये कर रहा है, ये देखिए असिस्टेंट पीछे पीछे घूम रहा है, ग्लू उधर रखा हुआ है, इधर ग्लू उधर ग्लू, देखिए देखिए कैसा दिखा दो जॉयदीप, आज गोजा के साथ ऑर्गेनाइजर फ्री, कॉम्प्लीमेंटरी है आज, है ना, कॉम्प्लीमेंटरी। हाँ देखो देखो ऐसा ग्लू क्यों यूज कर रहे हो, ब्रश नहीं दिया अनिष्का आपने पापा को, लेकिन वो पीछे से डार्क फैंटेसी दिखेगा ना दूसरों को जब पेन रखोगे तो उसको एक्चुअली करना क्या था, सफेद पोर्शन को अंदर रखना था और ऑलरेडी एक गिफ्ट रैप पेपर वो था, वो उसको आप रैप करके बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजर बना सकते थे, अभी भी चांस है तो बना सकते हो। चलो आगे कंटिन्यू करती हूँ गोजा के साथ, इसको इधर ही बंद करती हूँ, हो जाने के बाद जॉयदीप दिखाओगे क्या, इधर इधर देख के बोल दो। 30 मिनट मतलब आधा घंटा हो गया, अभी मम्मी रेडी हो गई चक्कू और ये बेलन चाकी सब लेके, फिर दो एकदम नरम हो गया लग रहा है ना मम्मी, क्या हो गया ये, अभी देखिए पूरा डो को लेके मम्मी ऐसे रोल कर रही है, देख रहे हो पूरा, पूरे नीले भाले होते,
मम्मी बोल रही है आधा कर लेने से अच्छा था। अच्छा मम्मी पहले रोल आउट कर ली थोड़ा और अभी बीचों बीच इसको काट रही है। ये देखिए इसको बनाने का ये है सिस्टम। इसको आपको रोल करते जाना है और इसको कट करते जाना है। देख रहे हो ना ऐसा। मम्मी थोड़ा सा टुकड़ा इधर से निकल के रख दिया क्योंकि ये मेरा चकला जो है उतना बड़ा नहीं है तो मम्मी को दिक्कत हो रही है। लेकिन आप लोग आइडिया से लीजिएगा डो और ऐसे काटिएगा, लंबा करिएगा। और इसका क्या है, कोई दिशा का ठिकाना नहीं है। कोई कौन सा भी साइड से आप इसको काटिए और रोल करिए, मैं नहीं बता सकती हूँ कि आड़े दिख से काटिए, लंबाई के दिख से काटिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक साइड से आप ऐसे रोल करते जाइए और इसको काटते जाइए और चढ़ाते जाइए तो क्या होगा, परत दर परत ये अपना शेप फॉर्म कर लेंगे। तो देखिए कैसे बनता है। हमारा ये काट के ऐसा हो गया रेडी। अभी तो ये फ्राई होने के लिए हमने यहाँ पे बैठा दिया है तेल। और तेल तो आप देख ही रहे हो, अच्छे डीप फ्राई करने के लिए जितना अमाउंट आपको तेल लगना है डालना है उतना डालिए। तेल का क्वांटिटी मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी लेकिन आपको देख के लग ही रहा है कि यहाँ पे इनफ क्वांटिटी हमने ऑयल डाला है कि इसको हम डीप फ्राई करने वाले हैं। तो चलिए तेल लगभग मेरा गरम हो गया। तेल को हम कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा ऐसा मैदे का रोल लेंगे और इसको तेल में डाल देंगे। अगर ये ऊपर आ जाएगा, हाँ तेल हमारा एकदम रेडी हो गया। अभी हम एक एक करके जो कटिंग ये मैदे का है वो धीरे ध्यान से छोड़ना है, हाथ में ना उड़े तेल। और गैस को हमको कर लेनी है कम थोड़ा, नहीं तो अंदर से पकेगी नहीं। हमारा तेल हो गया पूरा 100% गरम। अभी आंच को हम एकदम लो रखेंगे और धीरे धीरे सब छोड़ते जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे हमने जितना बनाया सारे एक ही टाइम में हमको नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके टाइम देके इसको अच्छे से धीमी आंच में पकाना है। देखिए कैसा धीरे धीरे ये चलना चालू कर दिया है। और ये बर्फी जो है इसको थोड़ा ठीक है तो अच्छे से पकने देना चाहिए। तो इसको ज्यादा करची इसके अंदर मत चलाइए, एक एक साइड इसका अच्छे से भून जाए हल्की ब्राउन होने तक हमको पकाना है। इसको पकने के बाद हम इसको चाशनी में डालेंगे। तो अभी इसको धीमे एकदम स्लो गैस में इसको हम 4 मिनट तक ऐसे धीमे आंच में छोड़ेंगे और उसके बाद पलटी करके फिर दूसरे साइड को सेकेंगे और फिर ब्राउन हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो हम उठा लेंगे, अगर नहीं होगा तो और थोड़ा आधा एक मिनट इसको हम अच्छे से धीमी आंच में पका लेंगे। यहाँ पे हमने चाशनी को थोड़ा फ्लेम ऑन कर दिया, थोड़ा देखिए इसमें उबाल आ रहा है। दूसरे साइड हमारा ये एकदम देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन होके तल चुका है ये अंदर तक। इसको अच्छे से कुक, ये अपने आप ही तैर के थोड़ा ऊपर आ जाता है जैसे, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि 100% कुक हो गया। ये गया हमारा चाशनी के अंदर। चाशनी में जाने के बाद हम इसको अच्छे से ऊपर नीचे से अच्छे से, गरम है चाशनी भी तो क्या होगा, ये पी लेगा अच्छे से, गरम गरम दोनों ही चीज रहेगा तो इसका इक्वेशन बहुत अच्छा होगा।
अभी कितना टेम्पटेटिंग, ये एकदम टेम्पटेशन फील हो रहा है ना रियली। घर में बनाइए और इसको खाइए, देखिए कितना ब्यूटीफुल बनता है। क्योंकि लॉकडाउन में क्या हो गया, जो मिठाई हलवाई था वो भी अपने अपने गांव चला गया है, लेकिन कभी कभार मन करता है ये सब चीज खाने के लिए। तो मैं हूं ना नूतन छुरचू आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आप लोग ये घर में बनाइए और खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, और आपका जो अनुभव है कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, मेरे साथ करिए शेयर जैसे मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ रेसिपी शेयर। ये हो गया, इसमें हमको डाल के 2-3 मिनट, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने चाशनी को एकदम बॉयल करके इसमें डाले थे। देखिए हमारा ये एकदम नरम हो गया, सॉरी गिर गया, ये अच्छे से पकड़ नहीं आया था। ये देखिए हमारा गोजा जो है बनके तैयार, और अभी हम एक एक इसको निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में, और ठंडा होने तक थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ये अंदर तक बहुत गर्म होता है। ठंडा होने के बाद हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बनके तैयार हुआ है। पता टूटू अरे आपने बना के दिया ना मुझे, तो मैं कैसे बताऊं, आप बता दो। अच्छा तो ये मेरा बेटी ने बनाया था 4 स्टैंड का, मैंने 3 स्टैंड का उसके ऊपर किया। ये देखे थे ये जो डार्क फैंटेसी का ये वाला वो है, और ये 2 पेपर को नॉर्मल पेपर जो इसका एक साइड प्रिंट था उसको दोनों ऐसा पेपर को जोड़ के उससे बनाया, और उसके ऊपर सिंपल गिफ्ट पेपर डाल दिया, और ये है 3। ये तीसरा वाला ये भी डार्क फैंटेसी ना कैडबेरी का इसको करके बनाया। तो इसको कैसे बनाया क्या बनाया इसको और एक दिन के दिखा देंगे हम लोग। फिलहाल ये है, ये लेनिन स्टडी है, दिख सकते हैं, ये हिलता नहीं है ना, जोर से भी हिलाने से भी है। सो इट्स ए गुड फॉर एज ए वर्किंग टू बी यूज एज ए पेन स्टैंड, एंड आई एम गोइंग टू यूज इट फ्रॉम टूमारो एट माई ऑफिस because I was feeling its necessity and so I will use it। so आपको use करके उसमें pen pencil डाला हुआ 7 दिन बाद कभी और एक बार आपको दिखा देते हैं, ठीक है? thank you। हमने जो sweet बनाए थे वो हो गया है ready। मम्मी ने बोल दिया आज के यार क्यों खावे ना, किसी को नहीं मिलेगा खाने को, लेकिन मैं आप लोगों के सामने खा के टेस्ट करके बता देती हूँ थोड़ा सा लेके। मेरा डांस क्लास था आज, तो आफ्टर डांस क्लास मैं आप लोगों के साथ इसका टेस्ट, और ये है क्रिएटर इसका, ये पीछे से जा रही है निकल के तो ये छोटा सा एक मैं लेके खा के बता रही हूँ कैसा है और क्या है। और दूसरी बात है, आज मैंने आप सभी लोगों को वेलकम करना भूल गई, लेकिन बाय बाय करने से पहले भी मैं वेलकम कर सकती हूँ ना आप लोगों को? हाँ कर सकती हूँ, तो अभी करती हूँ मेरे चैनल में नूतन छुरचू आप सभी लोगों को करते हैं वेलकम। मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो प्लीज मुझे बताना। आप लोग सोचो मेरे को रिप्लाई देने के लिए, तब तक मैं ये खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना है। ये बहुत एकदम दुकान जैसा बिल्कुल नहीं, अंदर तक इसका देखिए पूरा भरपूर रस गया है, और दुकान से कई गुना ज्यादा टेस्टी है, बिकॉज इसमें सब घर के चीज मतलब घर में बनाया हुआ है और शुद्ध चीजों से बनाया गया हुआ है।
मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा मुंह जो है पूरा मीठा हो चुका है। तो ये मीठे मीठे मुंह से मैं आज का ब्लॉग का करती हूँ एंडिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभरात्रि, लव यू ऑल, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।